हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट पैकिंग एफिशिएंसी. व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, राइट? पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? तो हम लोग को मालूम है कि ऑब्वियसली नाम से मालूम पड़ रहा है कितना पैक है, कौन कितना पैक है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कितना पैक है, वो हम लोग को किसके जरिए मालूम पड़ता है? दो चीज से मालूम पड़ता है, पैकिंग एफिशिएंसी और सेकेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर. किससे होता है? पैकिंग एफिशिएंसी, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा. फिलहाल हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी से. पैकिंग एफिशिएंसी से मतलब पैकिंग एफिशिएंसी से हम लोग को मालूम पड़ता है कि कितना टाइटली पैक है स्ट्रक्चर, मतलब कितना जगह खाली है और कितनी जगह भरी हुई है स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल के अंदर. समझ में आया हम लोग को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग को यहाँ पर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट यूनिट सेल लाइक SCC, BCC, FCC, राइट? लेट्स स्टार्ट विद पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC. SCC के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे होगी, कितनी होगी, कैसे पता करना है हम लोगों को? तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये जो क्रिस्टल आपके सामने बनाया हूँ, तो ये क्रिस्टल के अंदर कितनी जगह जो है एटम ने घेरी हुई है और कितनी जगह जो है वो एटम जो है वो क्या होता है, खाली है. कितनी जगह एटम ने घेरी हुई है और बाकी कितनी जगह एज एम्प्टी रह गई है, स्पेस रह गया है. समझे हम लोगों को? वो पता करना है. कैसे पता करेंगे? पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है तो देखते हैं. हम लोगों को मालूम है SCC है, तो SCC हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था लास्ट लेक्चर में कि SCC में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर ऑफ क्यूब के कॉर्नर में होते हैं. तो कॉर्नर से मैंने एटम बनाया, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम. तो ये कॉर्नर्स पे एटम है जिसको मैं आधा कट किया हूँ तो वैसे शेप में आया है. आप भी इमेजिन करेंगे कॉर्नर पे अगर एटम रहेगा उसको कट करने के बाद ऐसे ही आएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितनी जगह इसने घेरी है? तो ऑब्वियसली एटम जो होता है कैसा होता है, एटम ऐसा होता है, एटम एटम ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है, स्फीयर होता है. एटम कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फीयर होता है. तो अगर मुझे पता करना है कि कितनी जगह घेरी है तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर एटम कितने हैं, एटम कितने हैं, तो उसका एटम का जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम एटम का वॉल्यूम और परसेंटेज पता करना ना. तो एटम का वॉल्यूम मतलब एटम ने कितनी जगह घेरी है, राइट? एक एटम है, दो एटम है, अगर दो एटम है तो दो से मल्टीप्लाई करूंगा, तीन एटम है तो तीन से मल्टीप्लाई करूंगा, चार एटम है तो चार से मल्टीप्लाई करूंगा. बिकॉज यहाँ पे एक ही एटम है. हम लोग को मालूम है कि SCC में कितने एटम होते हैं, लास्ट टाइम देखे हम लोगों ने कि SCC में सिर्फ एक ही एटम होता है. तो मैं क्या करूंगा, एक एटम का स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा, एक एटम का वॉल्यूम निकालूंगा. एक एटम जो है वो क्या होता है, वो स्फीयरिकल होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा. तो मुझे मिल गया एटम का वॉल्यूम, राइट? एटम पूरे एटम ने कितनी जगह घेरी है, तो ऑब्वियसली मेरे को एक ही एटम है तो ऑब्वियसली एक से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर दो एटम है तो वो एक एटम की जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करूंगा दो से. चार एटम है तो चार से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो मिलेगा. अब हम लोग को मालूम परसेंटेज से निकालते जितना है और कितने में से, कितना मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा और हमारा कंप्लीट हो जाएगा आंसर. समझ में आया हम लोगों? जो मैं करने वाला हूं उसको मैंने एक ओवरव्यू में बता दिया. लेट्स स्टार्ट. क्या करना है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो मेरे को ये मालूम पड़ता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2R, है ना. 2R से एक a मिला है, एज लेंथ को हम लोग इससे शो करते हैं, a से शो करते हैं. और R क्या है, रेडियस ऑफ है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस कितना है, 2R से यहाँ पर a बना है. तो क्या लिख सकता हूँ मैं, R इज इक्वल टू a अपॉन 2, नीचे चलेगा देख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, राइट? वेर यहाँ से लिख देने का, वेर वॉट आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम एंड ए इज इक्वल टू एच लेंथ, राइट? एच लेंथ ऑफ वॉट, क्यूब या क्रिस्टल. मेरे को दूसरा क्या है, ये चार स्टेप में हम लोग को निकालना है. तो पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता करना है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एटम का वॉल्यूम पता करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हाँ क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सबको मालूम है, मैथ्स वाले बच्चे, 4/3 πr³,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम लोग क्या करेंगे आर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से डालेंगे, हम लिख देना कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं लिख रहा हूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या मिली, आर जो है वो ए अपॉन 2L³, ठीक है। 4/3 पाई ए का क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब क्या आएगा 8 हो जाएगा। 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा पाई ए क्यूब अपॉन 3 × 6। तो हम लोग को मिल गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्या आएगा पाई ए क्यू अपॉन 6, दिस इज 6 राइट। क्लियर है हम लोग को, याद समझे हम लोग को, कोई डाउट है? नाउ थर्ड पॉइंट, टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम घेरा है, एक वॉल्यूम जो है एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना है हमारा पाई ए क्यू अपॉन 6 है। तो कितने आइटम है इसके अंदर, जितने आइटम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एससीसी में एक ही आइटम होता है तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वापस से मैं ये लिखूंगा कि टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जितना है मेरे को जितना मिला पाई ए क्यूब अपॉन 6, कितने आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आइटम है इसके अंदर, इसके अंदर एक आइटम होता है एससीसी, मैंने कैसे होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर में जाके देखे, और ताकि हम लोग को मालूम पड़ेगा एक आइटम कैसे आया। तो एक आइटम है इससे मल्टीप्लाई 1 करूंगा, मल्टीप्लाई 1 के अपना आंसर इसमें वही आएगा पाई ए क्यूब अपॉन 6। यहां तक क्लियर है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं राइट। नाउ लास्ट टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन एवरी साइड, तो पार्टिकल टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल ने, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो मैं लिखूंगा पाई सॉरी ए क्यूब अपॉन 6 राइट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है मेरा क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है राइट, मल्टीप्लाई बाय क्या बोला 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा 100 पाई है ना, ये पाई ऐसे रह जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 पाई अपॉन 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.14 है ना, क्या होता है पाई की वैल्यू क्या 3.14 होती है अपॉन या 22.7 लेते हैं हम लोग राइट, तो 3.14 अपॉन 6 ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52.36 आएगा, कितना आएगा 52.36%। तो इतनी पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम लोग को मालूम क्या पड़ा कि हमारा जो एससीसी होता है उसमें एटम कितनी जगह घेरता है, एटम जो है वो 52.36% जगह घेरता है राइट। तो यानी पैकिंग एफिशिएंसी की पैकिंग कितना एरिया घिरा हुआ है, कितना एरिया एटम ने घेरा है वो है 52.36 और राइट, और बचा हुआ एम्प्टी स्पेस क्या हो गया परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस कितना आएगा कैसे आएगा, ऑब्वियसली जो 100 है ना टोटल वॉल्यूम कितना 100 है, 100 में से 52 जो है हमारा 52.36% जो है वो क्या है हमारा पैक है, तो बचा कितना, बचा है हमारा 47.64% खाली है, मतलब 100 माइनस उन्होंने इसको माइनस किए 100 में से, उसको माइनस करने के बाद जो आया वो हमारा क्या आएगा क्या है एम्प्टी स्पेस। क्लियर है हम लोग अच्छे से, बहुत ईजी था, एकदम आसानी से हमने किया, ओके राइट इट डाउन। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बीसीसी हम लोग के बारे में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है एक एटम जो होता है उसके पार्ट 1/8 पार्ट जो है कॉर्नर्स में होते हैं और एक एटम जो है सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिए, मैं इसलिए टाइम बचाने के लिए पहले से लिख गया हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एटम जो है आगे की तरफ है, आगे वाला जो कॉर्नर है उस पे है, और ये एटम जो है पीछे जो है मेरा जो क्यूब है क्यूब के पीछे वाला जो कॉर्नर है ना उसके उसके ऊपर है ये एटम राइट, और ये बीच में दोनों के बीच में, तो सबसे एग्जाम्पल ये ऐसा है ये क्रॉस है मतलब आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ बीच में एटम, समझा हम लोग को, तो ये इमेजिन करो कि क्रॉस ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करोगे तो कैसा है,
कि ये फ्रंट आइटम है, ये रेयर आइटम बोलूंगा, और ये सेंटर आइटम है। लास्ट टाइम कैसे था हम लोग को, लास्ट टाइम अगर मैं देखूंगा, जो मेरा लास्ट टाइम की बात करता हूं मैं, कौन सा एससीसी के अंदर बता रहा था मैं, एससीसी में कुछ था ऐसा कि एटम ए एटम बराबर ना, ऐसा कुछ था। तो मैं इमेजिन करो, मैं पूरा इसमें जा नहीं रहा हूं कि अगर हम देखेंगे तो ऐसा था कि आर आर और ये जो टू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए हो गया, मतलब ए, ए की वैल्यू मैं आसानी से निकालता रहा क्योंकि क्या है, दोनों आर क्या है कम्बाइंड, दोनों जो है जो एटम है ना वो चिपके हुए थे, इसके से वो एक लाइन मिल जा रही थी और मैं बोलता था कि वो पे ए इज इक्वल टू टू आर है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिकॉज बीच में एटम आने की वजह से यहाँ पे सेंटर में एक एटम आता है और इसके वजह से क्या होता है, ये एटम थोड़े दूर हो जाते हैं, ये एटम जो है बड़ा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में एटम आने की वजह से ये एटम थोड़े दूर हो जाएंगे, समझे आप लोगों, और दूर हो जाएंगे तो उसका मतलब अब नहीं बोल सकता मैं ए इज इक्वल टू टू आर बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज इतनी जगह तो रहेगी ना बीच में, ये जगह जो है स्पेस में को वो उसको मैं कंसिडर कर नहीं पाऊंगा ना, अगर मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू टू आर तो मैं उसको कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर मैं इसके जरिए नहीं ले पाऊंगा, मैं ये तरीके के जरिए ये पैटर्न के जरिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को ऐसी चीज ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मेरे आर जो है कनेक्टेड है, मेरे रेडियस जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से लेकर ए से लेकर एफ तक जो है वो क्या है, रेडियस कनेक्टेड है, ये देखो ये दो मतलब टू आर हो गया, ये जो हमारा क्या है टू आर है, ये आर है, ये भी आर है, समझा आप लोगों, इससे याद है कि हमारा यहाँ पर रेडियस कनेक्टेड है। तो मैं ए एफ की अगर वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे को आसानी से ए की वैल्यू मिलेगी आर के टर्म में, या आर की वैल्यू मिलेगी ए के टर्म में, समझ में आप लोगों, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं ए एफ की वैल्यू निकालने में। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इतना अच्छे से नहीं बना और ऑब्वियसली थ्री डी स्ट्रक्चर है वो टू डी बोर्ड पे बनेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा ये जो एंगल है, ये एंगल भी और रियल में जब देखते तो ये एंगल 90 होता है, ये एंगल भी क्या होता है 90 होता है, ठीक है, अब ये 90 एंगल है राइट, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालने का है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं ए एफ डी या ए डी एफ, ए डी एफ में अगर मैं 90 एंगल है तो पाइथागोरस लगा देता हूँ, हाँ पाइथागोरस लगा देता हूँ, पाइथागोरस लगा तो क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, वही लिखा मैंने, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ मेरे को चाहिए एफ डी की वैल्यू, ए डी तो आ गया, ए डी तो मेरा एज है ना, ए डी को मैं बोल सकता हूँ कि वो ए है, ए स्क्वायर बोल सकता हूँ, ए डी जो है मेरा एज है, और एज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, जितने भी एजेस होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर, बट एफ डी क्योंकि ऐसी लाइन है तो इसको हम लोग वो एच नहीं है तो उसको हम लोग ए से डिनोट नहीं कर सकते, तो मेरे को एफ डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको बाद में करता हूँ मैं, यहाँ पर एफ डी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल दिख रहा है मेरे को, ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल का हम लोग क्या करेंगे, वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि ये भी 90 है हमारा एंगल एफ ई डी जो है वो क्या 90 है, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, डी ई स्क्वायर, एफ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर आएगा, समझा आप लोगों, यही लिया। अभी देखो एफ ई क्या है मेरा, ये ए है हमारा, एफ ई एच है ए, और ए डी भी क्या एच है, तो ये भी क्या ए है, समझा आप लोगों, ये ए है और ये भी ए है, तो दोनों में ए है, तो मैंने क्या किया, पुट किया मैंने, समझ आप लोगों, और ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, इसलिए एफ डी स्क्वायर क्या आएगा, ए ए का क्या आएगा, डबल हो जाएगा, तो क्या टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, टू ए स्क्वायर, ना एफ डी की वैल्यू मिल चुकी है मेरे को यहाँ पर, ये पहले से मेरे को मालूम है, ये जो मेरा ए डी क्या है, ए डी एक एच है, तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू मैंने लिख दिया, ए डी की क्या है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए डी की वैल्यू क्या है, मैंने पहले यहाँ पर ये एच दिखा था, इसको मैं ए बोल सकता हूँ, ये ए है मेरा, तो ए लिखा मैंने राइट, तो ए स्क्वायर और एफ डी की वैल्यू मेरे को क्या मिली, टू ए स्क्वायर मिली, तो मैं बोलता हूँ ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, ए एफ कितना है, थ्री ए, तो ए एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री ए हो जाएगा, ए एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री ए, बट ए एफ को हम लोग को मालूम है फॉर्म इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर है, ये टू आर है, ये आर है, मतलब कितना आएगा, ए एफ कितना होगा, फोर आर हो जाता है, फ्रॉम स्ट्रक्चर वी कैन से दैट ए एफ इज इक्वल टू क्या है, फोर आर, तो दैट दोनों को अगर मैं मिला लूंगा तो क्या होगा, कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, थ्री ए इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर आर, थ्री ए इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर आर, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट थ्री अपॉन ए, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए हो जाएगा, हमारे आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए, तो ये हमारा हो गया
क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल दिया। ये मेन मैटर था, बाकी सब इजी है, यही समझना इम्पोर्टेंट है। समझना हम लोग को, अब आगे बढ़ते, आगे जो हम नॉर्मली करते वही करेंगे। क्या करते हम नॉर्मली आगे, सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मैं बता चुका, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर मतलब एटम का वॉल्यूम निकालना, एटम स्फीयरिकल होता है तो स्फीयरिक उसका स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³, तो वही लिया, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू 4/3 πr³। आर की वैल्यू क्या है, √3/a है ना, √3/4a है, तो मैंने वही आर की वैल्यू पुट किया। क्यूब लिया तो क्या हुआ, इसको मैं 3 बार ले लिया, a का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 4 × 4 = 16, कट गया, कैंसिल कर दिया, मैंने कैंसिल कर लिया इसको, ये दोनों को मिला दिया तो 3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, √3 वैसे रह गया, मैं आंसर आ गया π √3a³/16। समझा आप लोगों। नाउ अब ट्राई जो है हमारा, कितने एटम्स है यूनिट सेल में, कितने एटम्स है, कितने एटम्स ने जगह गिरी है, एक एटम ने कितनी जगह गिरी है, एक एटम ने कितनी जगह गिरी है, कितना π √3a³/16 जगह गिरी है। कितने एटम है, दो एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बता चुका इससे पहले भी हमने किया था, 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि बीसीसी में कितने आइटम होते हैं, 2 आइटम होते हैं, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 × 2 = 8 हो गया, तो 8 आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा √3π³/8। समझे हम लोग। अब स्टेप नंबर 4 सबसे ईजी है, लास्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। स्टेप नंबर 4 हम लोग को पता है, राइट, सभी लिख लिया, देख लीजिए एक बार, गोत्र कर लीजिए, मैं इसको मिटाने डेवलप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये है, हम लोग स्टेप नंबर 4 क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारी, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप कौन सा, स्टेप नंबर 4 क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कितने टोटल पार्टिकल है और उन्हें कितनी जगह गए, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल क्या है, हमारा आंसर आया है π √3π³/8। टोटल वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, ए क्यूब ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3π/8 × 100, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62%, कितना आएगा 62% आएगा। ये हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब हमारा परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा बोलो, 62 100 में 62 गया, कितना बचा हमारा 38%। ये हमारा क्या है, एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना, 38%। पर यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा हमारा 68% आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 32% होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए क्या है, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सॉल्व करो और आंसर निकालो, क्लियर है हम लोगों को, पाई डी टाउन। ओके, लास्ट टॉपिक जो है आज का वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी, सीसीपी भी बोलते हैं इसको, सीसीपी भी बोलते हैं और एचसीपी भी बोलते हैं, तीन नाम है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती देखेंगे, एफसीसी का हमें मालूम है क्या होता है, कॉर्नर पे आइटम होते हैं, 1/8 × 8 मतलब 1 आइटम जो है कॉर्नर पे होता है, और 3 आइटम जो होते हैं वो फेसेस पे होते हैं, हाफ हाफ होते हैं, मतलब हाफ हाफ 6 फेसेस पे होते हैं, मतलब 3 एटम होते हैं, टोटल 4 एटम्स होते हैं एफसीसी में, राइट, फेसेस पे। तो यहाँ पे इमेजिन करो, ये सामने का फ्रंट पे ये फेस है, उस पे ये एटम है, ये कॉर्नर पे एक एटम है, ये कॉर्नर पे एटम। अगेन हम लोग वो चीज ढूंढेंगे जहाँ पर रेडियस जो है कनेक्टेड है,
यहाँ पर भी अगर आप रियल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसा नहीं होता, दो रेडियस जो है एक साथ कनेक्ट नहीं होते, दूसरा एटम यहाँ रहेगा, बीच में गैप रहेगा और गैप रहने से हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसी चीज ढूंढना है जहाँ पर रेडियस कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये अगर मैं देखूंगा ए और सी को देखूंगा तो वहां पर मेरा रेडियस कनेक्टेड है, तो मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है, रेडियस ऑफ स्पीयर, स्पीयर का रेडियस निकालना है हम लोग को। रेडियस का कैसे निकालेंगे, मैं ये मेरे को एसी की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एंगल ये वाला एंगल 90 है मेरा, तो एबीसी में क्या करूंगा 90 होने की वजह से उसमें पाइथागोरस लगाऊंगा। पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या ना एसी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट ना, बिकॉज ये एजेस है, ए बी और बी सी एजेस है, तो ए बी की वैल्यू ए मैंने पुट किया, बी सी की वैल्यू भी ए है तो मैंने पुट किया, दोनों को यानी 2a हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2a स्क्वायर हो गया। यहां से समझा हम लोगों, सिंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं अंडर रूट लूंगा तो कहेंगे ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2a हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर वन हो गई। बट अगर हम लोग फ्रॉम पिक्चर और फ्रॉम क्यूब तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों के, एसी की वैल्यू क्या है, एसी में ये आर है, ये टू आर है और ये आर है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर ए टू आर है और ये आर है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, पूरा फोर आर है, तो मैं एसी इक्वल टू फोर आर लिख सकता हूँ क्योंकि एसी इक्वल टू फोर आर है। यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया, एसी इक्वल टू अंडर रूट 2a है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो आर इज इक्वल टू क्या अंडर रूट 2 अपॉन 4a और इसी को मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2, तो इस दो r इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2 इसी को यूज करेंगे हम लोग आगे, राइट। स्टेप नंबर थ्री क्या होता है, हम लोग को टोटल वॉल्यूम स्पीयर में कितनी घेरी है, कितनी जगह घेरी है उसको देखना है, तो जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एटम का स्पीयर का वॉल्यूम मिल चुका है हम लोग को, ये वॉल्यूम को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये हम लोग को क्या मिला है, रेडियस मिला है, पहले हम लोग क्या करेंगे स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर स्पीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³ ही है, राइट ना। आर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हम लोग को, आर की वैल्यू क्या है ए अपॉन 2√2 लिया मैंने और इसको क्यूब लेंगे तो क्या ए क्यूब हो जाएगा, 2 का क्या आएगा 8 हो जाएगा, इसको तीन बार ओपन करके लिखा मैंने, 4 × 4 = 8, राइट ना, तो 2 × 8 कैंसिल किया यहाँ पे 2 आ गया, राइट, ये पाई एक क्यूब वैसे के वैसे ही, 3 वैसे के वैसे ही, ये दोनों को मिला के मैंने 2 कर दिया, राइट ना, इन दोनों को, इन दोनों को 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 कर दिया, समझा हम लोग को, इस तरह सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना आया हमारा पाई ए क्यूब अपॉन 12√2, यहाँ तक क्लियर है। अब टोटल वॉल्यूम पार्टिकल ने कितनी जगह घेरी है, तो जितने पार्टिकल एक वॉल्यूम में एक पार्टिकल की जगह, एक पार्टिकल ने जितनी जगह घेरी है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पार्टिकल, तो पार्टिकल के टोटल एटम कितने हैं, टोटल पार्टिकल कितने हैं, तो 4 पार्टिकल है या 4 एटम है, एक एटम की वैल्यू कितनी आई इतनी आई, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये 4 × 4 = 4, 3 × 2 = 12, तो 3 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा पाई ए क्यूब अपॉन 3√2, क्या आएगा पाई ए क्यूब अपॉन 3√2, तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक हो गया क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब लास्ट है हमारा क्या है स्टेप नंबर 4 क्या है बोलो, सबको मालूम है क्या आता है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज पैकिंग एफिशिएंसी, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना है हमारा पाई ए क्यूब अपॉन 3√2, राइट राइट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3√2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय ये कितना 3.142 डिवाइड बाय 3√2, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर 74% कुछ आएगा, राइट, जो आंसर होगा वो क्या आएगा हमारा 74% आएगा, इसका आंसर आएगा 74% आएगा, राइट, और 74% आया इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया पैकिंग एफिशिएंसी है, तो परसेंटेज ऑफ
एम्प्टी स्पेस, खाली जगह का पर्सेंटेज कितना है? तो 100 माइनस दिस करो, 100 माइनस 50 को करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 26%। 26% जो है हमारा खाली जगह है। इसका मतलब हम लोगों ने तीनों देखे कि एफसीसी, बीसीसी और एससीसी तीनों देखे, और तीनों का करने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि क्या मालूम पड़ रहा है हम लोग को यहाँ पर, कि हमारा जो वॉल्यूम है राइट, हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है सबसे ज्यादा किसमें है? एफसीसी में। एफसीसी में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी 74%, मतलब ज्यादा जगह घेरी हुई है और खाली जगह कम है, और एससीसी में सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको कंबाइंड एक चार्ट भी इसके साथ अटैच करके लास्ट में दे दूंगा, वो आपको याद करना है, आपको न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होगा, एनसीईआरटी नीट वगैरह में भी यूज होगा, तो वो एक चार्ट मैं इसके बाद उसको बोर्ड को रब करके उस पर लगा दूंगा, उतना देखना है आपको और उसको यूज करना है। थैंक यू सो मच।